भगवान श्री राम के कितने गुरु थे और किन गुरु से प्रभु श्री राम ने क्या शिक्षा प्राप्त की, आज जानेंगे इस रामायण के पूरे प्रसंग में के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुरुओं के नाम और गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो सभी भक्तगणों को राम राम और प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव। श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि प्रभु श्री राम के प्रसंगों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो आप तक हम वीडियो समय से पहुँचाएँ। हिंदू शास्त्र में एक से बढ़कर एक महान गुरु शिक्षक हुए और सनातन धर्म में भगवान श्री राम ने भी गुरु से शिक्षा प्राप्त की और गुरु के बिना भगवान श्री राम की शिक्षा अधूरी रहती, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अब देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं कि माता पिता के बाद जो कुछ हमें सिखाया जाता है वो गुरु हमें सिखाते हैं। आम व्यक्ति ही नहीं भगवान भी गुरु में समर्पित रहे, ये आज इस पूरे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। प्रभु श्री राम के चार गुरु थे और उन्होंने उनसे ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। जीवन में गुरु का बड़ा विशेष महत्व होता है और आज हम बताएंगे कि गुरु क्यों सर्वोपरि होते हैं। गुरु को हमेशा भगवान का दर्जा दिया जाता है। व्यक्ति को माता पिता के बाद जो कुछ भी सिखाया जाता है वो कौन सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज और अगस्त्य मुनि से शिक्षा प्राप्त की और उनके दिशा निर्देशन में भगवान श्री राम आगे बढ़े। तो अब जानेंगे कि प्रभु श्री राम के चारों गुरुओं ने क्या क्या शिक्षा दी। भगवान श्री राम के उन चारों गुरुओं के बारे में मैं अब यहाँ पर विस्तार से आपको बताऊंगा कि महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम के गुरु थे। उन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। भगवान राम को परम योद्धा बनाने के पीछे विश्वामित्र थे। भगवान राम के पास जितने भी दिव्य शस्त्र थे वे सब विश्वामित्र ने उन्हें दिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार महर्षि विश्वामित्र को त्रेता युग का सबसे बड़ा आयुध आविष्कारक माना जाता है। आगे चलेंगे ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को राजपाट संभालने का ज्ञान दिया। इसके साथ ही वेदों की भी शिक्षा ऋषि वशिष्ठ ने ही प्रभु श्री राम को दी। यही नहीं, भगवान राम का राज्य अभिषेक भी ऋषि वशिष्ठ के हाथों हुआ और ऋषि वशिष्ठ का भगवान राम के जीवन में बड़ा विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं महर्षि भारद्वाज ने भगवान राम को विमान का ज्ञान दिया। भारद्वाज ऋग्वेद के छठे मंडल की ऋषि रूप में विख्यात हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने महर्षि भारद्वाज से ही परामर्श कर वनवास की अवधि में चित्रकूट में वास किया और लंका विजय के उपरांत लौटते समय भी भगवान राम इनके आश्रम में रुके थे। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मऋषि अगस्त्य। भगवान राम के जीवन में ब्रह्मऋषि अगस्त्य का बड़ा विशेष महत्व है। ब्रह्मऋषि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे और रामायण के अनुसार रावण के साथ युद्ध करते हुए जब राम थक जाते थे और हताश होकर बैठ जाते थे तब ब्रह्मऋषि अगस्त्य ने ही उनका हौसला बढ़ाया। मतलब प्रभु श्री राम के मोटिवेशनल स्पीकर थे अगस्त्य मुनि। अब देसी भाषा में बात करेंगे, और जो भारद्वाज थे वो प्रभु श्री राम को टेक्निकल नॉलेज दे रहे थे। मतलब प्रभु श्री राम को विमान संबंधी जो जानकारी दी वो उन्होंने दी, और ऋषि वशिष्ठ थे जो उन्होंने उनको राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और
विश्वामित्र उन्होंने उनको शस्त्र विद्या, शस्त्र शास्त्र, अस्त्र शस्त्र इन सब की शिक्षा प्रदान की। तब जाके प्रभु श्री राम अपने जीवन में आगे बढ़े। जब भगवान श्री राम को गुरु की आवश्यकता हो सकती है तो आम मनुष्य को भी जीवन में किसी न किसी को अपना गुरु बनाना चाहिए। और गुरु बनाने के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वो अगली वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो प्रभु श्री राम के चार गुरु थे, ये आपने जाना। ये वीडियो सभी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अभी तक सभी को यही पता है कि प्रभु श्री राम के सिर्फ एक ही गुरु थे और वो थे विश्वामित्र। तो प्रभु श्री राम के चारों गुरुओं की कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम। ये प्रभु श्री राम का मंत्र है। इसका आप अगर 108 बार लगातार जाप करेंगे तो आपके जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।